नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। शालिनी, तुम ऐसा करो, वहां जाके छुप जाओ और मेरे ऊपर नजर रखो। अगर वो चलाकी करने की कोशिश करे तो शूट देम। ओके ओके। तमाम बातों पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शालिनी का खून मुलजिम सागर ने ही किया है। खैरियत जज साहब। जज साहब, इससे पहले कि आपके हाथ किसी मासूम के खून से दागदार हो जाए, इससे पहले कि कानून की कलम सत्य कर्म और कर्तव्य की जगह जुल्म की तलवार बन जाए, इससे पहले कि इंसाफ का मंदिर इस बेगुनाह के लिए कत्लगाह बन जाए, मैं इस मुकदमे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जज साहब। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुकदमे की सारी कार्रवाइयां पूरी हो चुकी है, अदालत फैसला सुना रही है। इस मौके पर बीच में बोलना अदालत की तोहीन है। इनकी दखलअंदाजी के लिए इन्हें सजा मिल सकती है। जज साहब, इंसाफ की देवी की आंखों से झूठ की पट्टी को हटाना अगर गुनाह है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इंसाफ के इस्तराजू के वजन को अगर बराबर रखना गुनाह है तो भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन किसी भी सजा से पहले मैं आपसे इतना कह देना चाहता हूं कि जिस मुकदमे का फैसला आप सुनाने जा रहे हैं वो मुकदमा नहीं है। तुम कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं जज साहब कि जिस लड़की शालिनी के खून का इल्जाम सागर पर लगाया गया है वो झूठ है। सागर के हाथों उसका खून नहीं हुआ, उसका खून गुंडों की गोलियों से आज हुआ है और मेरी आंखों के सामने हुआ है। जज साहब, ये देखिए। जज साहब, आइए देखिए। जज साहब, जज साहब, ये है असली मुजरिम। सागर पर झूठा मुकदमा क्यों चलाया गया? शालिनी की जगह किसका कत्ल हुआ? ये चश्मदीद गवाह बताएगा। इसे पूछिए जज साहब। ये मौका है टोनी, अपनी जान बचाना चाहते हो तो अप्रूवर बन जाओ, जाओ। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, उस दिन मैंने झूठी गवाही दी थी। सच तो यह है कि शालिनी ने इसके पिता के कातिल का नाम बताने के बहाने सागर को अपने घर बुलाया, कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर इसे बेहोश कर दिया। उसके बाद मैं लक्ष्मी को लेकर वहां पहुंचा। अपने नाखूनों से इसका चेहरा नोचो। अरे नोच। जल्दी से अपने कपड़े और ये नेकलेस इसे पहना दो। जज साहब, इस तरह से हमने सागर पे उस खून का इल्जाम लगाया। वो लड़की कौन थी? तुमने ये सब क्यों किया? जज साहब, वो लड़की, उस लड़की का नाम हवलदार राम सिंह ने एक मासूम इंसान की नहीं बल्कि अदालत की इज्जत और इंसाफ की हिफाजत की है। यह अदालत राम सिंह की शुक्रगुजार है। जिन पुलिस कर्मचारियों ने इस मुकदमे की तफ्तीश की है, यह अदालत उन्हें वार्निंग देती है कि वो अपने कर्म और कर्तव्य को पहचाने। आइंदा हर मुकदमे की अच्छी तरह छानबीन करके ही मुकदमा अदालत में पेश करें। अदालत ये भी हुक्म देती है कि पुलिस ये मालूम करे कि मरने वाली लड़की कौन थी और इस साजिश के पीछे कौन है। अदालत मिस्टर सागर पर लगे हर इल्जाम को बेबुनियाद मानकर उन्हें बाइज्जत बरी करती है। भैया,
सागर। अभी घबरा क्यों रही है? मैं हूँ, मैं। अरे मैं क्या 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 देखो क्या, कुछ नहीं कर रहा है। कोई देख लेगा, छोड़ो। किस वन किस दे 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 मैं दे। देखा, तोड़ दिया ना? मैंने नहीं तोड़ा, तुमने तोड़ा है। मुंबई के मशहूर ब्लू फॉक्स चैरिटेबल हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर नरेंद्र ड्रग्स की तजारत के सिलसिले में शिकागो में 4 साल जेल की सजा काट चुके हैं। रोहित भी ड्रग सिंडिकेट का आदमी था, उसे ब्लू फॉक्स हॉस्पिटल से किडनैप करने की कहानी बनाई गई थी। दरअसल इसकी मौत जहर का इंजेक्शन देने की वजह से हुई थी। क्या रोहित की मौत और डॉक्टर नरेंद्र के पिछले रिकॉर्ड का कोई ताल्लुक है? क्या इसका मतलब क्या है? ये डॉक्टर नरेंद्र की काली करतूतों का चिट्ठा है, और ये वो रिपोर्ट है जिसे बाबूजी उस दिन अखबार में देना चाहते थे। इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर नरेंद्र और रोहित दोनों साथी थे। मैं डीसीपी अग्रवाल के पास इसी वक्त पहुंचता हूं और देखता हूं नरेंद्र फांसी के फंदे से कैसे बचता है। सुनो, सागर आए उसे सब कुछ बता देना, समझ गई? साथी, कुत्ते, तूने ही बाबूजी का कत्ल किया है। उठ, उठ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ हरामजादे। सर सर सर, इसी कमीने ने बाबूजी का कत्ल किया था, और इसी ने कोर्ट में टोनी का कत्ल किया, और आज ये मुझे मारने के लिए आया था सर। What? Yes, sir. और ये रही इसकी नकाब, और सर ये है वो कागज जिनकी वजह से बाबूजी का खून हुआ। डॉक्टर नरेंद्र शिकागो मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर था। एक ड्रग सिंडिकेट के साथ मिले होने के जुर्म में उसने 4 साल शिकागो जेल में सजा काटी। सर, ड्रग रैकेट और इन मर्डर्स में डॉक्टर नरेंद्र का हाथ है सर। मैं अभी इसके मुंह से सच्चाई उगलवाता हूँ। तुम ऐसा करो, सीआईडी इंस्पेक्टर जयपाल को बुलाकर लाओ। यस सर। अभी अभी ये सब कैसे हुआ? सागर, तेरे भैया ने बाबूजी के कातिल को पकड़ लिया है। सच? हाँ, और वो कागज भी मिल गए हैं जिनके लिए बाबूजी का खून हुआ था। तेरे भैया ये सब सबूत लेकर डीसीपी साहब के पास गए हैं। मैं अभी आता हूँ। क्या कर रही है आप? माय फ्रेंड, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा ग्रुप खतरे में पड़ गया है। अब तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। ये क्या कर रहे हैं आप? सर सर, ये क्या किया आपने? आपने इसे मार ही डाला। मैंने? क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसे मैंने नहीं, तुमने मारा है। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, अपने बाबूजी का कातिल समझकर तुमने इसे बदला लेने के लिए इसका गला घोंट कर इसे मार डाला। इंस्पेक्टर जयपाल इसके गवाह है। ऐसा अब पता चला आपने इसे क्यों मारा है। आप भी उन बदमाशों के साथ मिले हुए हैं, और आज इसे खत्म करके आपने उन मुजरिमों के खिलाफ तमाम सबूत मिटा दिए हैं। छाप! इसके खून का झूठा इल्जाम मुझ पर लगाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर आप एक कलंक का दफा है। छाप! जयपाल गिरफ्तार कर लो इसे। Let's go.
बाद में बताता हूँ, जल्दी निकलो यहाँ से। What? हवलदार राम सिंह ने उस नकाबपोश का खून कर दिया? Yes sir, उसने मुझ पर भी हमला किया था सर, लेकिन वो बचकर भाग गया। मैंने उसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया है सर। ठीक। आज तक जो कुछ भी हुआ उसमें उन दोनों कुत्ते नरेंद्र और अग्रवाल का हाथ है। लेकिन ये साबित करने के लिए हमें कोई ठोस सबूत चाहिए सागर। जब तक अग्रवाल कानून की कुर्सी पर बैठा है तब तक कोई भी ठोस सबूत मिलेगा भी तो उसे मिटा दिया जाएगा। अब इसका बस एक ही रास्ता है कि उन दोनों हरामजादों को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। अरे पागल, तू समझता नहीं, ये जुर्म करके हम खुद कानून के मुजरिम हो जाएंगे। कानून कानून कानून, तुम हमेशा कानून की दुहाई देते रहते हो। क्या क्या मुसीबतें नहीं उठाई तुमने इस कानून से वफादारी करके, और आज तुम जैसे देवता इंसान पर भी खून का इल्जाम लगाया गया है सिर्फ इस कानून की वजह से। नहीं सागर, नहीं, ऐसा नहीं, ये कानून की वजह से नहीं हुआ, कानून की वर्दी पहनने वाले गद्दार की वजह से हुआ है। हमारा कर्तव्य है कि ये साबित कर दें कि सच्चाई की ताकत क्या है। चला आ रहा कुत्ता कहीं कसल। शालिनी कुमार ने यही लोग आए थे। अच्छा, हाँ।